एपिसोड फोर के स्टार्टिंग में हमें उस एल्फ गर्ल का पांच दिखाया जाता है उस एल्फ गर्ल का नाम टूका लूना मार्सो है टूका के डैड काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं क्योंकि उनके विलेज पर एक ड्रैगन ने अटैक कर दिया था टूका के डैड टूका को बचाने के लिए कुए के अंदर फेंक देते हैं फिर अचानक टूका उठ जाती है वो एक सपना देख रही थी यूज से कहता है तुम उठ गए हम जल्दी बेस पर पहुंचने वाले हैं और मिलिट्री ने बेस को काफी बड़ा बना दिया था फिर सीन चेंज होता है हम एक बार दिखाया जाता है जहाँ पर एक वेटर सभी कस्टमरों को बता रही थी ग्रीन कलर वाले सोल्जर्स ने एक ड्रैगन को भगाया था असल में ये औरत उसी विलेज का हिस्सा थी जो अब एक वेटर का काम करते एक बार में वेटर कहती है मैंने अपनी आंखों से उन ग्रीन सोल्जर को दिखा था वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और पूरे ड्रैगन को भगाया था था। मेरे ख्याल से वो लोग ड्रैगन को खत्म भी कर सकते थे लेकिन कोई भी कस्टमर उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था और वहीं पर प्रिंसेस पीना भी होते हैं तो है और इस बंदे का नाम, है और वाले का नाम ग्रे है लेकिन वेटर को और ज्यादा नहीं पता था वो कहते मुझे नहीं पता और जैसे ही वो पैसे निकालते वेटर झट से मान जाते हैं और कहते बताऊंगी उन लोगों के पास एक मैजिकल वेपन है लोहे का बना हुआ

फर्स्ट ल्यूटी रहते हैं याना गिटा और उसे अपने साथ छत के ऊपर ले जाते हैं बाते बातें बातें करने के लिए वो और दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते हैं और दूसरी तरफ सोल्जर्स टैंस बना रहे थे ताकि वो वहां पर रह सके और उन्हें खाना भी दिया जाता है और वो खाने को एकदम घूर के देख रहे थे फिर सीन शिफ्ट होता है यूजी की तरफ फर्स्ट ल्यूटिनेंट कहते है ये प्लेनेट खजाने का भंडार है यहाँ पर बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है हमारी सिविलाइजेशन इससे काफी ज्यादा एडवांस है फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है सभी गाँव वाले अपने अपने नाम बताते हैं कांटो कहता है मेरा नाम कांटो है और ये मेरी स्टूडेंट लीले है उसके बाद रूरी अपना नाम बताती है मेरा नाम रूरी मरक्यूरी है और, और यूजी की की इसलिए तो उसके बाद काम शुरू किया जाता है बड़े बड़े मशीनों से काम शुरू हो जाता है मतलब जिसे भी से और लीले काटो और का इसे बड़े गौर से देख रहे थे क्योंकि इनके लिए स्पेशल था और इन गाँव वालों के लिए बाकी मेम्बर्स खाना बना रहे थे जो खाना बना रहा था वो

पहना बंदा लड़किया जहां पर नहा रही थी वहां पर घुसने की कोशिश करता है पर सर में लीले होते हैं जिसने सूट पहना था उसके बाद रूरी लीले और टूका नहाने लगती है वो तीनों काफी हैरान थी ऐसी जगह पर पानी मिल गया लीले कहते यूजी ने कहा था हम लोग रोज बांस ले सकते हैं और टूका कहते है, क्या उस बंदे ने मुझे बचाया था और रूरी कहते है, हाँ बिल्कुल उसके कुछ साथियों ने हाँ बिल्कुल उसने और उसके साथियों ने मिलकर तुम्हें बचाया था उसके बाद टूका और रूरी मिलकर दो लड़कियों को नहलाने लगते है क्योंकि दोनों काफी छोटे थे फिर सीन चेंज होता है अभी तक जिंदा था असल में उसका पैर और हाथ नहीं था लेकिन वो बिल्कुल जिंदा था और डुरान के पास ही प्रिंसेस पीना होती है और डुरान उसे कहता है क्या तुम्हें पता नहीं एनल हिल के पास क्या हुआ था असल में हमारी लड़ाके से पहले ही एम्पेरियल आर्मी हार चुकी थी पीना कहती मुझे पता है एम्पेरियल आर्मी पहले ही हार चुकी थी और डुरान कहता है हमारी आर्मी ने मरते दम तक फाइट की असल में हमारा दुश्मन हमारे हमारी पीछे ही था हमारा दुश्मन एम्पायर है और बिना कहते वैसे आप मुझे ये बताइए आप दुश्मनों के बारे में क्या जानते हैं लेकिन दूरान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और से कहता है अगर तुम्हें पता लगाना है तो खुद एनलस हिल के पास जाओ बातें खत्म करने के बाद प्रिंसेस पिना अपने साथियों के पास आ जाती है और कहती है हम लोगों को एनल्स हिल के पास जाना ही पड़ेगा हम लोग सबसे सब पहले इटाली का जाएंगे क्योंकि इटाली का एनल्स हिल के पास है फिर सीन चेंज होता है यूजी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकता था क्योंकि वहाँ पर एक टावर को लगा दिया गया था

फिर सीन टुका की तरफ शिफ्ट होता है असल में गैस इसका नाम टुका है ना कि टूना और टूका कहते हमें यहाँ पर सब कुछ फ्री में मिल रहा है शायद हमें आगे जाकर अपनी बॉडी को ही बेचना पड़ेगा तभी वहाँ पर लीले आती है और लीले के हाथ में एक ड्रैगन विंग होता है लीले उनको बहुत सारे ड्रैगन के पास ले जाती है जो मरे हुए थे इन सभी को यूजी की टीम ने मारा था और लीले कहते हैं ड्रैगन विंग काफी महंगे बिकते हैं हम मदद कर सकते हैं इन्हें बेचने में टूका कहते है इसका मतलब हमें अपनी बॉडी को नहीं बेचना पड़ेगा अब यूजी की टीम इटालिका जाने वाले थे क्योंकि लीले ने बताया था ड्रैगन विंग इटालिका में बेचे जाते हैं तो गाय इस वेलापिस खत्म होता है